हेलो फ्रेंड्स, आज की खबर जो है जेट एयरवेज को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जेट एयरवेज के जो नए इन्वेस्टर हैं जिनका नाम कार्लो कैपिटल है, उन्होंने बीते कल अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने सबसे पहले एनसीएलटी का शुक्रिया अदा किया है कि एनसीएलटी ने इस समय जेट एयरवेज को फाइनल अप्रूवल दे दिया है और अब जेट एयरवेज अपनी उड़ानों को चालू कर पाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने जेट एयरवेज के जो पुराने एम्प्लॉई हैं उन सभी एम्प्लॉयों से भी रिक्वेस्ट करी है और उनसे मदद की अपील करी है कि इस समय जेट एयरवेज को दोबारा से रिवाइव करने के लिए सभी के सभी एम्प्लॉई एक साथ खड़े होकर जेट एयरवेज के फेवर में वोट दें। आपको बता दें कि यहां पर जो जेट एयरवेज की तरफ से जो नया प्रपोजल जारी किया गया है जो कि नए इन्वेस्टर की तरफ से आया है, उसमें जेट एयरवेज के एम्प्लॉयों के लिए कुछ भी नहीं है, जिस कारण से जेट एयरवेज के एम्प्लॉई काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। उन सभी लोगों को देखते हुए ही इस लेटर को जारी किया गया है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि इस समय जेट एयरवेज को जेट के एम्प्लॉयों से 95% वोटिंग का अप्रूवल की जरूरत है। अभी देखना रहता है कि क्या एक बार फिर से जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉई हैं वो जेट एयरवेज का साथ देते हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि यहाँ पर जेट एयरवेज के जो एम्प्लॉई हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और उनको जेट एयरवेज से कुछ भी नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि जो जेट एयरवेज के जो नए मालिक हैं कार्लो कैपिटल और मुरारीलाल जलान, उनकी तरफ से ये कॉमन लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में जेट एयरवेज के पुराने एम्प्लॉयियों से मदद की अपील की गई है।